हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए साइंस की फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें हम ट्रिक्स को दोहे के साथ पढ़कर याद करेंगे, दोहे की तरह याद करेंगे कि किसका आविष्कारक कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटर उगाकर खेत में दिया नाम विज्ञान, अनुवांशिकता के पिता मेंडल हुए महान। मटर उगाकर खेत में दिया नाम विज्ञान, अनुवांशिकी के पिता मेंडल हुए महान। यहाँ पर अनुवांशिकता का जो नियम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। हमारी दूसरी ट्रिक है, दूर देश के मित्रों से बात कराता कौन, ग्राहम बेल का शुक्रिया दे गए टेलीफोन। दूर देश के मित्रों से बात कराता कौन, ग्राहम बेल का शुक्रिया दे गए टेलीफोन। तो टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल ने किया है, इसलिए हमने यहाँ पे टेलीफोन और ये ग्राहम बेल दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा तीसरा ट्रिक है, नीले लिटमस पत्र को कर देता वह लाल, कहते हैं हम अम्ल उसे अंग न देना डाल। तो जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे हम अम्ल कहते हैं, उसमें अंग न देना डाल, क्योंकि एसिड में कोई भी अंग डालेंगे तो वो जल जाता है, इसलिए हमने इसमें लिखा है अंग न देना डाल। नीले लिटमस पत्र को कर देता वह लाल, कहते हैं हम अम्ल उसे अंग न देना डाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चौथा है, किसी जीव का किस जगत होता है स्थान, ऐसे लीनियस ने दिया वर्गीकरण विज्ञान। कौन से जीव को किस कैटेगरी में रखेंगे, ये बात हमें किसने बताई थी, लीनियस ने बताई थी कि किसको किस कैटेगरी में रखना है, कौन सा जलीय जीव है, कौन सा स्थलीय जीव है। इसलिए हमने इस दोहे में लिखा है, किसी जीव का किस जगत होता है स्थान, ऐसे लीनियस ने दिया वर्गीकरण विज्ञान। तो जीवधारियों का जो वर्गीकरण है वो लीनियस ने ही किया है। फाइव नंबर में है, जिसको चाहे भेज दो अब तुम टेलीग्राम, मार्कोनी का शुक्रिया उसको करो सलाम। जिसको चाहे भेज दो अब तुम टेलीग्राम, मार्कोनी का शुक्रिया उसको करो सलाम। इसका मतलब है जो टेलीग्राम का जो आविष्कारक है वो मार्कोनी ने किया है, ठीक है। सिक्स नंबर पे है, फिल्म देखने का जिसे सचमुच में है शौक, एडिसन ने पेश किया उसको बायोस्कोप। एडिसन ने बायोस्कोप का आविष्कार किया है, जिसमें हम फिल्म देखते थे पहले। ओके, तो फिल्म देखने का जिसे सचमुच में है शौक, एडिसन ने पेश किया उसको बायोस्कोप। बायोस्कोप का आविष्कार एडिसन ने किया। सेवन नंबर में है, कैसी तारों की बस्ती या उसका आलोक, गैलीलियो ने बता दिया देखकर टेलीस्कोप। गैलीलियो ने ही हमको बताया था कि टेलीस्कोप से देखकर कि तारों की बस्ती कैसी है, वो कैसे दिखाई देते हैं। इसलिए इस दोहे में लिखा है, कैसी तारों की बस्ती या उनका आलोक, गैलीलियो ने बता दिया देखकर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया है। आठवें नंबर पे है, चाहे तुम सूट सिलाओ या सिलवाओ जीन्स, एलियास देकर गए ऐसी सिलाई मशीन। चाहे तुम सूट सिलाओ या सिलवाओ जीन्स, एलियास देकर गए ऐसी सिलाई मशीन। सिलाई मशीन से हम कपड़े सिलते हैं और सिलाई मशीन का आविष्कारक जो है वो एलियास हैं, एलियास हावे हैं, इसलिए हमने इस दोहे में लिखा है, चाहे तुम सूट सिलाओ या सिलवाओ जीन्स, एलियास देख कर गए ऐसी सिलाई मशीन का आविष्कारक एलियास हावे हैं। तो ये थी आज की हमारी शॉर्ट ट्रिक्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।